Dear students, myself Anil Kumar. Today we will solve the multiple choice questions in chapter 3. पिछले क्लास में हम लोग chapter 1 और 2 का multiple choice question को solve कर चुके हैं. आज चैप्टर 3 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स. सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए खाली जगहों को भरें. प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड. ऑप्शन है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स. तो इसमें क्या हो जाएगा, पौधा खाने वाला जो जानवर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स? हर्बीवोर्स. तो वन का क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए का वन इसमें हो जाएगा हर्बीवोर्स. नेक्स्ट है प्लेस ईटिंग एनिमल्स आर आल्सो कॉल्ड. मांस खाने वाले जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स? तो ओमनिवोर्स जो दोनों खाता है, मींस जो सर्वाहारी होता है. कार्निवोर्स जो दूसरे जानवरों का मांस को खाता है, वैसे जानवर को हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं. प्लेस ईटिंग एनिमल्स को कार्निवोर्स कहा जाता है, इसलिए सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट, रैबिट्स डैश देयर फूड. ऑप्शन है स्वैलो, आई नो. तो रैबिट्स जो होता है, हम लोग पिछले चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं रैबिट्स हुआ, रैट हुआ, स्क्वायरल हुआ, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो भोजन को उतर उतर कर खाते हैं. नहीं तो रैबिट्स इसमें स्वैलो भी होता है, निगल जाना, तो रैबिट्स तो निगल के भोजन करता नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नो. थ्री नंबर का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है फोर. Frogs dash their food. Frogs dash their food. ऑप्शन है swallow, अवली, tear. तो swallow means होता है निगल जाना, swallow means निगलना, and tear means होता है उसको चीड़ना, खाड़ना. तो frog जो है भोजन कैसे करता है, वह पूरी तरह से निकल जाता है. फ्रॉग हुआ, स्नेक हुआ, यह जो एनिमल्स है, ये जो यह सब एनिमल्स जो है भोजन को पूरी तरह से निकल जाता है. तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर नंबर स्वैलो. फोर नंबर स्वैलो. नेक्स्ट है लीचेज डैश लिक्विड फूड. लीचेज डैश लिक्विड फूड. ऑप्शन है सप एंड लैब. तो लीचेज जो है वह लिक्विड फूड कैसे लेता है, सप मींस होता है चूसना, लैब मींस होता है जीभ से चटना. तो लीचेज अपने भोजन को
चूसता है, सकिंग करता है, तो यहां क्या हो जाएगा, फाइव नंबर का शक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। मैच द हॉलोवीन। ओके, इसमें कॉलम ए दिया हुआ है और कॉलम बी दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। तो मैं इसको सामने सामने इसके आंसर लिख देता हूं, आप लोग उसके सामने मैच कर लीजिएगा। ओके, ए नंबर, ए नंबर का क्या हो जाएगा, हाई नंबर। तो हाई ना स्कैवेंजर होता है, नहीं हाइना हुआ, जैकाल हुआ, या दूसरा कोई जानवर इस जानवर को मार देता है, उसके बाद यह खाता है। तो ए का हो जाएगा थ्री, ए का थ्री। उसके बाद बी नंबर में है फंगी, तो फंगी जो है डीकंपोजर है, तो बी का क्या हो जाएगा, वन। नेक्स्ट है हाउस, तो हॉर्स में जो है बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ पाया जाता है, इसलिए सी का क्या हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट है डी मॉस्किटो, मॉस्किटो मॉस्किटो जो है यह ऐसा इंसेक्ट्स है जो अपने भोजन को सकिंग करता है, सकिंग ट्यूब के द्वारा। तो इसमें लिखा हुआ है फाइव नंबर में, देखिए लिखा हुआ है सकिंग ट्यूब, तो डी नंबर का क्या हो जाएगा, फाइव। नेक्स्ट है स्नेक, तो स्नेक हम जानते हैं कि अपने भोजन को पूरी तरह से निगल लेता है, तो इसका हो जाएगा ई नंबर का सेकेंड, ई का टू, स्वेलिंग द होल फूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, पेज नंबर है आपको 33, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यह जो दिया हुआ स्टेटमेंट है यह ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में आपको लिखना है। जो ट्रू होगा उसके लिए टी एंड जो फॉल्स होगा उसके लिए एफ लिखना है। तो
फिल इन द ब्लैंक्स हो गया क्वेश्चन नंबर ए, एंड फिल इन द ब्लैंक्स के बाद है मैच द फॉलोइंग। इस क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन ही करेंगे और रेस्ट जो दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी एंड डी नेक्स्ट क्लास में इसको कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।